बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमतुज़ किचन। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी करेला फ्राई। इसके लिए मैं ली हूँ 250 ग्राम करेले, 100 ग्राम्स बेसन, 100 ग्राम्स ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून राइस पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग है और 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून सौंफ, पिसी हुई मोटी कुटी हुई सौंफ है। तो मैं आपको पहले ये करेले को कैसे काटना है वो काट कर दिखा दूँ। उसके ये दो पार्ट काट लेंगे, फ्रंट और बैक काट के इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे करना है। ऐसे करेंगे हम इसको करके, थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा ये। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ फिर उसके बाद कैसा काटना। ये पूरा इसका ऊपर का निकाल देके आपको कट करके बताऊँ। देखिए मैं इसको छिल ली, आपको दिख रहा होगा ये, इसका ऐसा खुरोप लिए सब ऐसा खिकोरे तो इसका निकल जाता पार्ट। उसके बाद हम इसको ऐसे कट करेंगे, उसके बाद ये बीज निकाल लेने का। आप चाहे तो बीज रखना है तो भी रख सकते हैं या निकालना है तो निकाल सकते हैं। मैं निकाल दे रही हूँ। उसके बाद ऐसे ऐसा लंबा कट करेंगे इसको, ऐसे दो दो पीसीस कर लेंगे ऐसे। देखिए देखिए मैं काट के रख ली ये इस तरह से पीसेस में। अब इसमें हम नमक और हल्दी ऐड करेंगे। इसको नमक और हल्दी मिला के आधे घंटे के लिए रखे तो अच्छा है, नहीं तो आप कम से कम 15 मिनट रखना, इससे इसकी कड़वाहट जो है वो कम हो जाएंगी। ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे रब करें वैसा तो इससे जूस रिलीज होगा। उसके बाद हम 15 मिनट के बाद, मैं 15 मिनट ही रख रही हूँ, 15 मिनट के बाद इसका पानी फेंक देंगे हम। फेंक के एक दो पानी से धो के फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए 15 मिनट हो गए ना, आप देखिए इसके अंदर पानी रिलीज होगा, आपको दिखाई देगा। देखिए देख रहा हूँ, अब इसको हम एक दो पानी से धो लेंगे। देखिए दो मरतबा इसको पानी से धो ली अच्छे से। अब ये पूरे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिला लेंगे अच्छे से, अच्छे से मिला के ऐसे करते जाएंगे तो उसको मसाला कोट हो जाएगा। इसके बाद हम जो बेसन रखे थे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसमें, जितना हमको चाहिए। चलिए देखिए मैं पैन रख दी थी, उसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ, सरसों का तेल जो मैं आपको बताई थी वो ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे धुआं आने तक। ये तेल को अच्छे से गर्म करने से उसकी जो एक स्मेल रहती वो स्मेल चली जाती मस्टर्ड की। देखिए मैं आपको बेसन मिला के बताई थी, थोड़ा सा ड्राई हो गया था, थोड़ा सा पानी डाल के मैं बेसन जो था डाल दी, थोड़ा सा इतना सा बच गया। अब इसको भी थोड़ा थोड़ा डालूंगी और ऐसे उसको कोट हो जाएगा। देखिए ये ऐसा आपको दिख रहा होगा, ऐसा कोट हो जाएगा। तो ये जो भी ऐसे थोड़ा सा बेसन रहेगा हम उसको ऐसे लेके खाली ऐसे जो पीसेस काटी थी मैं उसके साथ ऐसा करेंगे तो थोड़ा लगेगा, थोड़ा हटावा रहेगा, तो ये आपको क्रिस्पी दिखेंगे जब तलने के बाद। ऐसे करके डालूंगी मैं अभी तेल गर्म होने के बाद। देखिए तेल अच्छा गर्म हो गया, धुआं आ रहा, अब इसमें हम डिप कर देंगे। सिम कर दी मैं, अब चूल्हा सिम रखे तलेंगे, फ्राई कर लेंगे, एक एक करके डालेंगे और गैप्स रखेंगे थोड़ा। देखिए ब्राउन होना शुरू हो गए, थोड़ा सा और ब्राउन करके निकाल लेंगे। देखिए ब्राउन हो गए, इसको निकाल ले रही हूँ, सारे ऐसे ही तल लेंगे। देखिए क्रिस्पी करेला फ्राई रेडी हो गया। ये मैं एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बनाई हूँ, इससे हटकर भी और भी करेले के वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।